हेलो एवरीवान वेलकम टू आर चैनल टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अ वेरी न्यू टॉपिक और ये टॉपिक आपके साथ किसी ने भी शायद डिस्कस नहीं किया होगा बिकॉज इट इज़ जस्ट रीडिंग बट इट्स नॉट ओनली दिस बिकॉज इसको समझना बहुत ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि वाई इट इज़ रिटर्न इन द डेफिशन दैट पार्टीज मस्ट जॉइन ज्वाइंटली और इन ऑल्टरनेटिव मैनर आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए वट इज दर्पज ऑफ दिस देखिए टू पर्सन आर देयर ए एंड बी ठीक है दोनों के पास सी के अगेंस्ट कोज ऑफ एक्शन है ठीक है तो या तो ये ज्वाइंटली होगा या फिर ये सेवरली होगा ठीक है वो अकेले भी चाहे या तो सूट कर सकता है या फिर इन ऑल्टरनेटिव होगा तो ए को मिल जाएगा रिलीफ या बी को मिल जाएगा ठीक है अगर दोनों अलग अलग करते हैं इन द ऑल्टरनेटिव मींस कि दोनों में से किसी एक को रिलीफ मिलेगा सो टू और मोर पीपल इफ फाइल द सूट अगेंस्ट सो दे कैन बी इंटरेस्टेड और दे कैन फाइल द सूट ओनली ज्वाइंटली और इफ दे फाइल इट कैन फाइल देयर सेपरेट सूट ऑल्सो और फॉर मोस्ट थर्ड कैटेगरी दे विल बी इंटरेस्टेड इन ऑल्टरनेटिव कि आइदर या तो मुझे मिल जाए या बी को मिल जाए रिलीफ ठीक है ईदर रिलीफ टू मी और गिव द रिलीफ टू यू सो दीज आर द ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज़ ठीक है या तो आप जॉइंटली इंटरेस्टेड होते हो या आप सेवरली इंटरेस्टेड होते हो या आप ऑल्टरनेटिव में होते हो कि आपको ऑल्टरनेटिव में बात होती है रिलीफ की ठीक है या रिलीफ टू तो वन पर्सन और टू तो अनदर पर्सन so these are the three possibilities and they are just broad they have broadened the scope of this provision declaring that even if they are jointly interested they can join together if they are severally interested

रिलीफ so, अगर आपको जॉइंटली चाहिए या सेवरली चाहिए सेपरेट रिलीफ चाहिए या ऑल्टरनेटिव चाहिए या तो आपको या अदर पर्सन को ठीक है फॉर एग्जाम्पल ए एंड बी जो है नेसेसरी पार्टीज हैं सो दे आर इंटरेस्टेड जॉइंटली और दे आर इंटरेस्टेड सेवरली मीन्स दे केन फाइल देयर सूट ऑल्सो दे केन नॉट फाइल सूट जॉइटली दे केन फाइल इट सेपरेटली ऑल्सो और इफ़ दे आर इंटरेस्टेड इन ऑल्टरनेटिव रिलीफ देन दे केन ग्रांट इधर ए टू बी ए और टू बी बट दे हैव नॉट कन्फ्लिक्ट इन बिटवीन मतलब बाद में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए उनके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए कि वो ऑल्टरनेटिव रिलीफ के लिए रेडी है ठीक है अब हम पढ़ते हैं ज्वाइंटली का मेन mean, मीनिंग uh, क्या है जॉइंटली देखिए ज्वाइंटली में क्या है सपोज कीजिए ए एंड बी है दे आर द ज्वाइंट ऑनर्स ऑफ सपोज कीजिए दिस हाउस के ये एक ज्वाइंट ऑनर है एंड सी हैज डिस दम सो आर दे नेसेसरी पार्टी अगर ए एंड बी आर नेसेसरी पार्टीज दे फोर ए एंड बी विल फाइल द सूट जॉइंटली क्योंकि दोनों को इकट्ठे डिसपोजेस किया है सी ने और ये दोनों नेसेसरी पार्टी हैं इसलिए ये जॉइंटली फाइल करेंगे सूट को सो ए एंड बी हैदर ओनली अगेंस्ट सी लाइक को पार्टनर हो सकते हैं जॉइंट ओनर्स हो सकते हैं पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म हो सकते हैं दीज आर दू दैट यू आर इंटरेस्टेड जॉइंटली जहाँ पर इंटरेस्टेड जॉइंटली के एग्जाम्पल होते हैं वो ये होते हैं कि जहाँ पर आप दोनों नेसेसरी पार्टी हो और आपका इंटरेस्ट जॉइंट है राइट वेयर इट इज रिटर्न सेवरेली और इन ऑल्टरनेटिव इसका मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जैसे कि एफ है सपोज ही इज़ द फादर एंड ही इज द ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी यही लगा लीजिए कि ये इस प्रॉपर्टी के ओनर है नाउ ही हैज गोड अ वाइफ डब्ल्यू एंड हिज सन एफ एस ठीक है वाइफ है और ये इनका सन है एफ एस नाउ एफ एस जो है वो एडॉप्टेड सन है अब फादर डाइड नाउ हिज प्रॉपर्टी इज इन द पोजिशन ऑफ बी इनकी कोई प्रॉपर्टी है वो बी के पोजिशन में है बी इज द ब्रदर ऑफ एफ राइट नाउ हाउ मच शेयर ही नहीं सारा शेयर किसका होगा या तो वाइफ का या उनके सन का होगा सो बी विल नॉट गेट एनीथिंग बट वाइफ विल गेट एंड सन विल ऑल्सो गेट हाफ एज दोनों को हाफ ऑफ प्रोपर्टी मिलेगी जब हम देखिए हिंदू लोग करेंगे तो आपको पता होना चाहिए प्रॉपर्टीज का जो शेयर होता है कैसे जाता है उनके हायर्स में ठीक है आई डिस्कस विद यू दैट ऑल्सो सो दे विल गेट हाफ ऑफ शेयर इन द प्रॉपर्टी नाउ बी इज नॉट गेटिंग द प्रॉपर्टी ठीक है अब प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है फादर जो ये सन है एंड डब्ल्यू है तो क्या वाइफ एंड जो ये सन है ज्वाइंटली इंटरेस्टेड और आर दे से इंटरेस्टेड देखिए ज्वाइंटली तो ये इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि सेपरेट सेपरेट शेयर दोनों का है सो दे आर नॉट जॉइंटली इंटरेस्टेड बिकॉज दे हैव देयर रिस्पेक्टेड शेयर्स एंड दे आर इंटरेस्टेड इन हाफ ऑफ शेयर्स ओके एंड दिस इज़ नॉट इन कंपल्सरी कि आपने हाफ शेयर के लिए वाइफ अलग से सूट करे और जो सन है वो अलग से सूट करे सो so, ये क्या करेंगे सूट तो कॉमन डालेंगे बट एग्जाम्पल क्या होगा ये सेवरली इंटरेस्टेड का मीन्स दे वॉन्ट देयर सेपरेट रिलीफ के दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सेवरली इंटरेस्टेड कैंडिडेट कि अगर आप सेवरेली इंटरेस्टेड भी हैं तब भी आप मिलकर सूट फाइल कर सकते हैं अगेंस्ट बी बट आपको जो रिलीफ मिलेगा वो सेपरेट सेपरेट ही मिलेगा ऑल राइट सो हाउ क्योंकि बाय द सेम एक्ट ऑफ बी बोथ वाइफ एंड सन हैव गोट कोज ऑफ एक्शन दोनों के पास है बाय द सेम एक्ट ऑफ होल्डिंग द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी भी कॉमन है कोज ऑफ एक्शन भी कॉमन है प्लस वाइफ जो सूट फाइल करेगी वो सेपरेटली करेगी सो वन क्वेश्चन अगर अराइज होगा क्या कि वेदर प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी और यहाँ पर भी जब सन फाइल करेगा तो ये भी यही क्वेश्चन होगा वेदर द प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू बी तो कॉमन क्वेश्चन उठ गया कॉमन क्वेश्चन है तो ये सूट को

ऑल्टरनेटिवली इंटरेस्टेड जवाब होते हैं इसमें क्या होगा सब मान लो बी आ, बी को कहना है कि जो सन है ही इज है बी ये कहता है कि जो सन है एफ एस वो एडोप्टेड नहीं हम यही एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे ठीक है ये अडोप्टेड नहीं है इसलिए जो एफ एस का कोई भी शेयर नहीं बनता है या एफ एस को तो कुछ मिलेगा ही नहीं बी ये कहता है ठीक है अब वाइफ और सन का कहना है कि अगर एफ एस एडोप्टेड सन नहीं है तो अब पूरी की प्रॉपर्टी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी किसकी हुई वाइफ की मीन्स वाइफ विल गेट होल शेयर है ना इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम चले जो बी कह रहा है तो उसके अकॉर्डिंग यही है ना तो वाइफ और सन यहाँ दोनों यही कह रहे हैं कि मान लो मैं अडोप्टेड नहीं हूँ तो आप पूरी की पूरी प्रॉपर्टी जो एफ है उनकी वाइफ को तो दो ठीक है और एफ एस अडॉप्टेड सन है तो हाफ वाइफ को मिलेगी और हाफ सन को तो दो सो दिस इज द कंटेंशन ऑफ वाइफ एंड सन अब वाइफ और सन ने मिलकर सूट किया बी के अगेंस्ट और बी क्लेम कर रहा है कि सन इज नॉट अडॉप्टेड सन समझ में आ रहा है बच्चे एग्जांपल सन जो है वो अडॉप्टेड नहीं है बट वाइफ एंड सन आर जॉइंटली एंड दे आर सेइंग दैट इफ सन इज प्रूव्ड टू बी एन अडॉप्टेड सन तो हाफ हाफ प्रॉपर्टी

and stay tuned now next session in next one i am going to discuss order one rule two very very important till then keep watching keep sharing have a good day thank you